गुड मॉर्निंग आज हम एक फन एक्टिविटी करने वाले हैं और उसके लिए हमें चाहिए ऐसा एक डिस्पोजेबल प्लेट अगर आपके पास प्लेट नहीं है तो आप सर्कुलर शेप का कोई भी आ, पेपर ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा थिक हो और ब्रश और वॉटर कलर और थोड़ा सा प्लेइंग डो जो कि बाद में हम बताएंगे कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये जो प्लेट है इसको अलग अलग फोर कलर्स में हम पेंट करेंगे इसको ठीक है फोर कलर्स में ओके सी नाउ वी हैव कलर्ड द प्लेट डिफरेंट डिफरेंट कलर यू कैन ऑल्सो शेड इट लाइक आई हैव अ लिटिल बिट विथ द ग्रीन कलर एंड नेक्स्ट वॉट वी नीड वी नीड प्लेइंग डो ऐसा आता है ना जिससे आप लोग खेलते हैं ये वाले

ये जितना हो सके उतना इसको अपने हाथ से हमको मसलना। दिस दिस चंक इसको बिल्कुल ऐसे उंगलियों से ऐसे स्ट्रांगली ऐसे ऐसे करो इससे क्या होंगी आपकी उंगलियां भी बहुत स्ट्रांग होंगी और आपको लिखने में पेंसिल से जब आप लिखेंगे तब आपकी उंगलियों में कभी भी दर्द नहीं होगा ओके okay? here i have made uh, apple somewhat using red dough and green dough plain dough this is uh, that uh, grapes bananas oranges peach cucumber brinjal, tomato ladyfinger and more such thing you can make

दाल में बहुत प्रोटीन होता है जो नॉन वेजिटेरियंस है वो नॉन वेज प्रोडक्ट ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट राइस चपाती स्वीट पोटैटो पोटैटो इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट हमें काम करने की क्षमता देता है एनर्जी देता है ठीक है सो दिस इज अ बैलेंस हेल्थी थाली यू शुड हैव इट एवरी डे एंड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड जंक फूड जैसे पिज्जा बर्गर बाहर का खाना एवॉड कीजिए अगर मम्मी घर पे बनाती है तो यू कैन ऑलवेज स्टे स्टे हेल्दी स्टे सेफ ओके एंड यू कैन मेक दिस वेजिटेबल यूजिंग ऑर क्रिएटिविटी ओके एंड शो इट टू मी अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एक कोई वेजिटेबल भी या फ्रूट बना के मुझे दिखा सकते हैं औ यूजिंग दिस मोल्डिंग डोज सो Enjoy your work and stay healthy, stay happy.